सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक, बिकॉज आपको रुझान भी आ गए हैं, तो अभी तक प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका चयन हो गया है या कितने दिन में हो जाएगा वंस द मैंडेट कम्स? नहीं, आप जो पूछ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा गठबंधन रहने के वजह से हम ये डायरेक्टली फलाना होगा, एक्स होगा, वाई होगा, नहीं, हम सबको बुलाएंगे, सबका राय लेंगे और जो गठबंधन के लोग कहेंगे उस आधार पर वो बनेगा। नेचुरली उस वक्त ये प्रधानमंत्री का तय होगा। और आप जानते हैं इसका पिछले का भी, जब यूपीए 192 बना तब सोनिया गांधी जी को सभी यूपीए के लोग मिलके बोले कि आप प्रधानमंत्री बनो, तब उन्होंने नहीं बना, उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह जी को बनाना चाहती हूँ तो बनाए। तो इसीलिए हमारे पास सब तरीके के, यानी सबको लेके जाने का हमारा जो मकसद है वो ठीक हो जाएगा। मौसमी सर, अभी अभी डेटा आया है कि प्रधानमंत्री ने 206 रैलियां और इवेंट की हैं, बीजेपी की तरफ से आए आंकड़े, और 80 इंटरव्यू दिए हैं जो कि रिकॉर्ड प्रचार है, और इसी तरह से सरकार बनाकर बीजेपी सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो बोल रहे हैं, पर इतना क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देखा 2014 में इतना फिरे थे, फिर 2019 में भी इतना नहीं फिरे, अब क्यों परेशान है इतने इतने? जो आपने आंकड़े हमको दिए 206 रैली उन्होंने की, तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है, और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए उनकी कोशिश ये हो रही है कि खुद भी गली गली चले जाए, शहर शहर चले जाए, और गली से दिल्ली तक ये मीटिंग उन्होंने की घबरा के। घबराहट में है ये, दो चार अपने 4 जून को ये घबराहट खत्म।